नमस्ते। आज हामी पुष्पा टू को टेलर आएछ यहाँ अल्लु अर्जुनको फेसबुकमा देख्यौँ हामीले, अनि यसो रियाक्सन लिउँ त कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हो होइन। अस्ति दुई दिन अगाडि 5 अप्रिलमा वेयर इज पुष्पा भनेर पनि एउटा कडा तरिकाको मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि फिल्मले ल्याएको थियो। पुष्पा वन त हामी सबैले हेरेका छौँ होइन, अब सेकेन्ड पार्ट हो यो। हो, हामी सबैजना वेटिङमा छौँ पुष्पा टूको। हामी मेकिङको, एक्टिङको, हरेक चिजको फ्यान हौँ पुष्पाबाट। हामी पुष्पाबाट एक खालको साउथले पनि एक खालको मार्केट हाई लेभलमा पुर्याएको हो। ल, हामी हेर्छौँ है त। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। सर्च टीम ने ढूंढ निकाली। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इस वक्त अनामया सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए। 8 गोलियां लगी है। किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है। पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पण तुम्हाला माहिती आहे का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। बघा ताई, अब ये ठीक है? बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पता है पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाए। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? ट्रेलर को 1:45 हो अहिलेसम्म पुष्पालाई देखाएको छैन है। 1:45 सम्म कसरी लुकाएर राख्यो होला के? ब्रेकिंग न्यूज, जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है नाना। रोल पुष्पा का। अब रोल पुष्पा का रे आज चाहिँ रिलीज गर्यो। कस्तो लाग्यो? ए बाबा, लाग्यो पुष्पालाई जुन तरिकाले एन्ट्री गराएको छ। पहिला चाहिँ एकदमै नेगेटिभ देखाएको थियो। पुष्पा को क्यारेक्टरलाई सिम्पाथी दिने क्यारेक्टरहरूले मन पराउँथ्यो नि त होइन। यसमा चाहिँ पुष्पालाई चाहिँ पोजिटिभ क्यारेक्टर पनि देखाएको छ जस्तो लाग्यो होइन। तर 1-1.5 मिनट चाहिँ दङ्गा फसाद होइन, एकदम दङ्गा फसाद। अल्लु अर्जुन कोही खोजीका लागि दङ्गा फसाद गरे जस्तो देखाएको छ। अनि मलाई चाहिँ दामी लाग्छ त्यो टाइगर हुन्छ नि, त्यो सिसिटिभी क्यामेराको फुटेज भेटायो टाइगरसँग नै। लास्ट डाइलग क्या पावर बोल्छ नि, शेर 2 कदम पछाडि हट्यो भने शेर, अनि अरू जनावर 2 पछि हट्यो भने चाहिँ शेर आएर समझ्न होइन, अनि सेयर 2 पछि हट्यो भने चाहिँ पुष्पा आयो है। साउथको मेकिङ चाहिँ एक नेक्स्ट लेभलको भइसकेको छ होइन।
उनीहरूले कन्फ्लिक्टहरू या त क्यारेक्टरहरू अझै त्यो ऊहरू त यो क्राउडहरू त कसरी म्यानेज गर्छ होला कि यत्रो यत्रो एजको मान्छेहरू होइन यो पुष्पा टू पनि स्पेसल बन्छ फिल्म स्पेसल बन्छ अब रुल पुष्पाका भनेपछि केही न केही यो पोलिटिक्सतिर पनि जोडेको हुनसक्छ होइन पोलिटिक्समा पनि जान सक्छ तर मोरओभरदेखि मलाई चाहिँ फेरि पुलिस र पुष्पाकै कन्फ्लिक्ट हो जस्तो लाग्छ कन्फ्लिक्ट हो तर जितेका त पुष्पाई भन्ने छ नि पुष्पा पुष्पाई जितेका अब रुल पुष्पाका भनेपछि केही न केही पोलिटिक्स पनि कनेक्ट छ भन्ने चाहिँ लाग्यो गएर हदमा हेर्नुपर्छ ओके थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस धन्यवाद